हेलो गाइस, दिस इज़ माय सेकंड ब्लॉग। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। मतलब कुछ ने मिक्स सा दिया है कि कैमरा एंगल गलत पकड़ा था या ऐसा कुछ, लेकिन हाँ अभी धीरे धीरे आ जाएंगी चीज़ें करनी, अब देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाने आया था, ये वाली शॉर्ट वीडियो डालूंगा मैं आज, मेरे को बताना कैसी है। इधर हैबिटेट सेंटर दिखा दो। एक चीज़, जैसे कोई गाड़ी के अंदर ब्लॉग बनाता है ना, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उसे ना स्टार्टिंग में शाइनेस होती है और वो गाड़ी के अंदर थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है, जो कि मैं कर रहा हूँ। अगर मैं गाड़ी के अंदर ब्लॉग बना रहा हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जैसे अगर मैं बाहर निकल के पब्लिकली बनाऊंगा तो उसमें मेरे को थोड़ी सी हेजिटेशन है अभी कि लोग बाग देखेंगे, कैमरा देख रहे हैं, फिर कहेंगे अरे यार यूट्यूबर आ गया ये वो। आजकल लोगों को ये भी तो दिक्कत है ना बहुत। एक तो यार बात ये है कि भाई सपोर्ट नहीं करेगा, पर हम मजाक तो उड़ा ही सकते हैं, उसमें क्या जा रहा है। इसलिए यार मैं भी थोड़ा सा शाय हूँ और गाड़ी के अंदर मैं सही में, इसलिए आप देखोगे ना अगर मेरे चैनल पे तो आपको दिखेगा कि मैं वीडियोस भी ज़्यादातर मैंने गाड़ी में ही बना रखी हैं। उसका रीज़न एक यही है कि मैं यार थोड़ा सा हूँ, थोड़ा प्राइवेट सा रहता हूँ मैं चीज़ों को लेकर ना। फिर लोगों को ये भी रहता है कि यार हाँ कि फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। अब जब तक नहीं है तब तक तो भाई काम चलाना पड़ेगा ना, तो ये भी एक रीज़न है गाड़ी के अंदर ब्लॉग बनाने का। ट्रैफिक मिल गया भाई। यार मैं ना आपको एक फ़नी किस्सा सुनाता हूँ। अभी ना कुछ टाइम पहले, मतलब 2019 की बात है शायद, मेरा एक फ्रेंड था, मतलब अब टच में नहीं है, तो वो ना ऐसे बोलता था कि जैसे कोई वीडियो डालता था उस टाइम पे ना, अमित बढ़ाना बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा था, तो वो डरे जिम करे ये सब बहुत ज़्यादा फेमस हो रखे थे उसके डायलॉग। तो जैसे कोई बोलता था ना, उसे कहता था कि यार मेरे को ना ये यूट्यूब पसंद नहीं है, मैं ये देखता नहीं हूँ ये सब, और मेरे को टाइम वेस्ट लगता है। भाई कल ना उसका वो आया मैसेज कि भाई ये मेरे चैनल का लिंक है, इसको सब्सक्राइब कर दियो। भाई उसने चैनल पता किस चीज़ का बनाया है, वो 30 साल की एज है उसकी, तो भाई उसने टॉयज का बनाया, मतलब किंडर जॉय डाल रहा है वो उसमें। यार हद होती है, मतलब यार फिर यार पहले बोल लो मत ना, नहीं कम से कम। खैर ऐसी है बस, जिसकी जो चल रही है भाई, बढ़िया चल रहा है। चलो भैया राम राम।